वेलकम फ्रेंड्स ऑन इकोनॉमिक्स इजी। आज अपन देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटीन्यूअस सीरीज या फिर ये क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली इसका तीन मेथड होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने में। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। राइट फ्रेंड्स, ये अपना क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको माइक्रो और स्टेट्स के सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, जिसमें बीच बीच में मैं ये भी बताती हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में आने की चांसेस हाई होती है। और वैसे ही फ्रेंड मेरे वीडियोस ऑन एन एवरेज 6 या 7 मिनट की मिलेंगे आपको। राइट, अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। देखिए, फर्स्ट वाले कॉलम में दे रखा है साइज, ये अपन को गिवन होगा एग्जाम में। थर्ड कॉलम में दे रखा है फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट और थर्ड कॉलम अपन को दे रखे होंगे एग्जाम में। राइट, सेकंड कॉलम मैंने लिख रखी है मिड वैल्यू। इससे पहले एक बार देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड के थ्रू। ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब एक्स क्या होता है, ये देखिए एक्स है होता है मिड वैल्यू में से जब मीन माइनस करते हैं। तो अपन को इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा पहले देख लीजिए, चाहिए क्या, फिर इजिली वो कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, आंसर आ जाएगा फॉर्मूला में रखते। देखिए, एक्स के लिए क्या चाहिए अपन को, मिड वैल्यू माइनस मीन। तो सेकंड कॉलम में अपन मिड वैल्यू निकालेंगे और फिर निकालेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला अपन को पता है कंटीन्यूअस सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ एफ एम अपॉन एन। पिछले वीडियोस प्लीज जरूर देख लीजिएगा, वरना ये वाले वीडियो समझ में इजिली नहीं आने वाले। राइट, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए, L1 0 है, L2 2 है, तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 1। आगे देखिए, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना है, 3। 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5। सिंपल मिड वैल्यू निकालिए जो अपन सीख चुके हैं। राइट, अब मैंने फोर्थ कॉलम में निकालना है एफ और एम। एफ और एम क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मीन निकालना है। मीन क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है। एक्स क्यों निकालना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक्स का स्क्वायर चाहिए, इसलिए एक्स निकालना है। राइट, अब देखिए एफ और एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 3 4 12 5 6 30 एंड सो ऑन। राइट, अब देखिए मीन निकाल लेते हैं अपन। अब अपना बस सम ऑफ एफ इन सबका टोटल किया, सिर्फ जोड़ा इनको, तो कितना है, 156। तो मैंने इधर लिख दिया मीन इक्वल्स टू 156 अपॉन एन कितना है, 24। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपन आएगा 6.5। ये आ गया अपना मीन। राइट, अब मीन का क्या करेंगे अपन, मीन को अपना यहाँ पे लिख दिया मैंने 6.5 एज इट इज। एक्स निकाला है तो एक्स क्या करेंगे, मिड वैल्यू में से मीन माइनस करेंगे। मिड वैल्यू अपनी ये भी ठीक है, मीन माइनस करना है तो मतलब 1 में से 6.5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5.5। सिंपल माइनस करा है मैंने मिड वैल्यू में से मीन को, जो अपना 6.5 यहाँ कैलकुलेट करने पर। राइट, 3 में से 6.5 माइनस किया कितना है, माइनस 3.5 एंड सो ऑन। अब देखिए, अब एक्स का स्क्वायर करना है तो अपना एक्स है कहाँ पे, ये रहा एक्स, ये एक्स है ना, इसका स्क्वायर करना है सिंपल, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इधर इधर आएगा 30.25। राइट, अब किसका स्क्वायर करेंगे, ये कहाँ है एक्स, ये रहा इसका एक्स का स्क्वायर करके 3.5 का, तो आएगा 12.25। राइट, अब लास्ट कॉलम आ जाता है एफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये रहा, एफ ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड और फिफ्थ कॉलम को आंसर आ जाएगा अपना इजी। 2 से 30.5.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 60.50, ये आएगा 0.50। राइट, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49.00। सिंपल सा फॉर्मूला में अपन पुट करेंगे वैल्यूज को, अपना आंसर आ जाएगा। ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने उधर लिख दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, तो इधर लिख दिया, लगा दिया मैंने अंडर रूट। कितना है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, तो सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर कितना है, 258, तो इधर लिख दिया मैंने 258। आगे क्या है, अपॉन एन, तो एन कितना है अपना 24, ये 24 लिख दिया। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 10.575 अंडर रूट, और इसका अंडर रूट लेंगे तो आएगा 3.28, और ये अपना आंसर है। शॉर्टकट मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये देखिए अपन ने पहले वाला एग्जांपल ले रखा है। राइट, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कॉलम सेम वाली सीरीज है, सब कुछ सेम है। फर्स्ट और थर्ड कॉलम अपन को दे रखे होंगे एग्जाम में, सेकंड कॉलम अभी अपन ने जैसे सीखा वैसे मिड वैल्यू निकालेंगे, कैसे, एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाई टू मतलब 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 1। 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 कितना है, 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 3 एंड सो ऑन, जो अभी देखा बस वही। राइट, अब अपन को फॉर्मूला क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए एस डॉट डी, एस डॉट डी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर ओब्लिक मैंने उसका लोगो बना दिया, नाम लिखा या लोगो बना दिया, एक ही चीज है। राइट, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट सम ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सम ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एफ डी एक्स स्क्वायर है और यहाँ सम ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर है। राइट, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम एवरेज निकालना पड़ेगा, डी एक्स चाहिए ना,
तो डेविएशन फ्रॉम अज्यूम एवरेज कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू में से अज्यूम मीन माइनस करेंगे, राइट। अब अज्यूम एवरेज कैसे माइनस करेंगे, अपन को पता है मिड वैल्यू में से निकालते हैं। अभी तक की पहले वाली सीरीज में अपन एक्स में से लेते थे, पर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो इसमें अपन इस से लेंगे, राइट, मिड वैल्यू में से लेंगे। तो देखिए मिड वैल्यू में से इन्होंने ले रखा है 5, मान लिया अज्यूम, 1 में से 5 गया कितना आएगा -4, 3 में से 5 गया कितना है -2। सिंपल सा क्या है, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम एवरेज निकालने के लिए एम में से मिड वैल्यू में से ये ए माइनस कर रहा है, और ए कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। 5 में से 5 गया कितना है 0। अब देखिए ये जो टी एक्स निकाला है इसका स्क्वायर करें, सिंपल 4 का स्क्वायर कितना है 16, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 0 का स्क्वायर कितना है 0, राइट। अब ये अलग का मतलब कॉलम मतलब एफ डी एक्स, क्योंकि ये भी चाहिए। तो एफ डी एक्स अपन कैसे निकालेंगे, ये रहा अपना डी एक्स और ये रहा एफ, मतलब थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को वी विल मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना आया -8, 4 को मल्टीप्लाई किया -2 से, 2 से तो -8 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो ये 0 आ गया। लास्ट कॉलम में इसमें देखिए क्या करेंगे, एफ डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ ध्यान रखना यहाँ गलती होती है, अपन एफ डी एक्स स्क्वायर ये आएगा डी एक्स स्क्वायर और एफ ही आएगा, इसका मत करना स्क्वायर, राइट। डी एक्स स्क्वायर ये रहा, एफ ये रहा, एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए 2 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो इधर लिख दिया 32, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो इधर आ गया 16, 6 को मल्टीप्लाई किया 0 से एंड सो ऑन। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर कॉलम नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, राइट। फिर एग्जामिनर को या आप वन देख लीजिए कि कॉलम सेकेंड, जैसे ये है लास्ट वाला था ना एफ डी एक्स स्क्वायर, तो मैंने थर्ड और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो आप एग्जामिनर को बता सकते हैं 3 × 5 कॉलम 3 × 5 मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। इससे आपकी गलती करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, राइट। सबका टोटल करा फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितना आया, अपन को फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है सिंपल। एफ डी एक्स स्क्वायर का सम टोटल ये आ गया 312 अपॉन एन, एन कितना है 24, इधर लिख दे 24 माइनस सम ऑफ एफ डी एक्स, सम ऑफ एफ डी एक्स ये रहा, अब देखना माइनस इधर लिख दे 36, एफ डी एक्स लिखा मैंने, अब होल स्क्वायर करूंगी मैं, नीचे कितना आएगा एन है तो एन कितना है अपना 24, इसका होल स्क्वायर कर दिया, राइट। होल स्क्वायर और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा √10.75 और इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 3.28। आंसर दोनों मेथड से सेम आएंगे, चाहे डायरेक्ट मेथड करो, शॉर्टकट करो या स्टेप डिवीजन करो, पर कई बार एग्जामिनर अपन को क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको डायरेक्ट यूज करना है या स्टेप डिवीजन यूज करना है या शॉर्टकट यूज करना है, तो अपन को तीनों मेथड आने जरूर।